चुनाव की शुरुआत के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और दूसरे लोग उस पार्टी के सभी लोग किस तरह से किसी भी तरह से इस चुनाव में जीत हासिल की जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, नैतिक अनैतिक, कानूनी गैर कानूनी, सब तरह का कदम उठाते रहे। जब चुनाव की शुरुआत हुई तो उस वक्त ही लोग समझ गए थे कि अब देश की जनता और खासकर बिहार की जनता उनके साथ नहीं आने वाली। इसलिए खासकर बिहार में और बाकी जगह भी हर तरह का हथकंडा अपनाने का उन्होंने प्रयास किया है। एक तरह से षड्यंत्र है उनका कि कैसे चुनाव को जीते, और उसी षड्यंत्र का हिस्सा है अभी जो एग्जिट पोल आया है। इसके माध्यम से उनकी कोशिश है कि जो महागठबंधन के लोग हैं उनको डिमोबिलाइज कर दिया जाए, वर्कर्स जो हमारे जाएंगे काउंटिंग में उनको डिमोबिलाइज कर दिया जाए। इसी के कारण एग्जिट पोल इस तरह से आ रहा है। लेकिन एग्जिट पोल कहीं से जो जमीनी धरातल है उससे उसका कोई मेल नहीं है। हम सिरे से एग्जिट पोल को खारिज करते हैं। यहाँ आप लोग भी उपस्थित है, कोई एक आदमी बता दे, आप लोगों ने भी वोट डाला होगा, कोई एक आदमी बताए कि एग्जिट पोल वालों ने किसी से कहीं पूछा है? हम लोगों को तो एक भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमसे किसी एग्जिट पोल वाले ने ओपिनियन दिया है। कुछ भी नहीं है इस तरह का। लेकिन एक साइकोलॉजिकल वार के लिए यूज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम तो पहले हम लोग सुनते थे कि बूथ लूट की घटना हो रही है, लेकिन पहली बार भी हिंदुस्तान के इतिहास में रिजल्ट लूट का प्रयास किया जा रहा है। बूथ लूट की बात होती थी पहले, लेकिन रिजल्ट लूट का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के द्वारा किया जा रहा है, और पहली बार हिंदुस्तान और बिहार के इतिहास में हो रहा है। बीजेपी वाले वो कहते भी हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, सब मुमकिन, मोदी है तो सब मुमकिन है। तो रिजल्ट लूट भी उनको लगता हुआ कि शायद मुमकिन है, लेकिन वो गलती में न रहे। अब उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। हम लोगों ने देखा है मतदान केंद्र से जो रिपोर्ट आई है, मतदान केंद्र से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे पूरे बिहार से जो फीडबैक है उसमें जबरदस्त रूप से महागठबंधन की बढ़त है। अधिकांश सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। इसलिए लोग मुगालती में ही किसी भी तरह से हम रिजल्ट को अपने फेवर में कर लेंगे, ईवीएम मशीन को प्रभावित करके कर लेंगे, जिस तरह से भी कर लेंगे ऐसा सोच रहे हैं, तो मुगालती में न रहे। और कहीं से ऐसी बात हम यह भी बताना चाहते हैं, लोग जनता के बीच जबरदस्त रूप से इन लोगों के प्रति इस तरह के रवैया को लेकर आक्रोश उभर रहा है। इस आक्रोश के कारण अगर कल कोई घटना हो जाए तो इसके लिए जवाबदेह बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री होंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी काम करना सोच भी रहे हो तो बंद करें, नहीं तो जनता में जो आक्रोश हो रहा है अगर इन लोगों का रवैया यही जारी रहा तो जनता का आक्रोश संभाले नहीं समझ पाएगा। जो खबर आ रही है चारों तरफ से, लोग जो बता रहे हैं हम लोगों को, यह रवैया इन लोगों का अगर आगे जारी रहा सड़कों पर खून बहेगा, लोगों में इतना आक्रोश है। हम सचेत करना चाहते हैं प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोगों को, अभी से आप लोग इस रवैया को बंद कीजिए, वरना जनता के आक्रोश को नहीं संभालने की जवाबदेही आपके ऊपर होगी। जो कुछ भी घटनाएं दुर्घटनाएं होगी जिसकी आशंका दिख रही है तो सारी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। हम इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए महागठबंधन के जो कार्यकर्ता बिहार भर में है उनसे भी हम आपके माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं कि आप सब लोग मतगणना का जो केंद्र है जहां काउंटिंग होगा उस हॉल के आसपास आप बड़ी संख्या में उपस्थित रहिए, मुस्तैदी से रहिए, तत्पर रहिए, ताकि कोई भी ऐसी हरकत इन लोगों की ओर से हो तो उसको निपटने में मदद मिल सके।